हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8 एक्सरसाइज 2.4 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल चैप्टर का नाम है। 2.3 एक्सरसाइज के अंदर हमने इक्वेशंस को सोल्व किया था, अब ये प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चंस है। इनसे आपको जो मेन टास्क रहेगा वो होगा इक्वेशन बनाना। उसके बाद जैसे 2.3 एक्सरसाइज की इक्वेशन सोल्व की थी, बिल्कुल उसके बाद वो 2.3 की इक्वेशन आपको सोल्व करनी होगी उसकी तरह ही, और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, उसके हिसाब से आप इक्वेशन बना दीजिए। आपका टास्क फिर इतना रह जाएगा कि 2.3 एक्सरसाइज अगर आपने अच्छे से की है तो आप इसको भी सोल्व कर देंगे, और उसके बाद उसका आंसर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर, अमीना ने एक नंबर सोचा, एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट, उसमें से वो 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, उसके बाद वो जो रिजल्ट आता है उसके अंदर वो मल्टीप्लाई कर देती है 8 को। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स, तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है। जो भी अब आपको रिजल्ट मिलता है वो मिलता है 3 टाइम्स द सेम नंबर हो सी थॉट ऑफ, जिसके बारे में उसने सोचा था उसका 3 गुना हमें रिजल्ट मिलता है। व्हाट इज़ द नंबर, नंबर क्या है, आपको नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। द नंबर इज, सॉल्यूशन 1, लेट द नंबर इजिकल टू एक्स, नंबर एक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से अमीना ने एक नंबर सोचा, वो हमने एक्स मान लिया, सब्ट्रैक्ट करती है 5/2 फ्रॉम इट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करती है, यानी कि एक्स के अंदर से सब्ट्रैक्ट करती है, तो एक्स माइनस 5/2 होगा। याद रहे आप 5/2 माइनस एक्स नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स करते हैं ऐसा, गलती हो जाती है। फिर सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, ये है रिजल्ट, उसको वो मल्टीप्लाई करती है 8 से। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड, अब जो ये रिजल्ट मिला है वो क्या होगा, 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा था उस नंबर का 3 गुना, रिजल्ट 3x। तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है, इसको सोल्व करना होगा अब। ओके, आसान हो गया ना, 8 मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, 8 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 8 मल्टीप्लाई 5/2 प्लस माइनस माइनस, निशान का जरूर ध्यान रखिए अच्छे से, इजगल टू 3x, 2 से कट गया, 2 बन जा 2 4 जा, ठीक है। तो क्या मिला, 8x माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 20 इजगल टू 3x। अब ये एक्सरसाइज 2.3 के 1-5 क्वेश्चंस के जैसा हो गया, 3x लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, 20 माइनस का है दूसरी तरफ आएगा, एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट टर्म रखेंगे। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, इसको हम आगे लिखते हैं यहाँ पर, 8x माइनस 3x 5x इक्वल टू 20, एक्स की वैल्यू क्या हुई 20, 5 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 5 बन जा 5 4 जा 4, 4 आंसर आ गया। हैंस द नंबर इज 4 आंसर। अब हमने जो किया है, क्या ये आंसर सही है, इसलिए चेक करने के लिए, चेकिंग जैसे हमने पहले भी की थी चेकिंग करते हैं, ये रफली होगा काम, क्योंकि इसमें हमें कहा नहीं गया, इसलिए ये काम रफली होगा। रफ साइड में आप भाई आपने पेज ले रखा आधी इस तरह लाइन लगाई, और दूसरी साइड में रफ लिख करके इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। रफ लेफ्ट हैंड साइड में इसकी वैल्यू रखते हैं 8 4 माइनस 5/2, और राइट हैंड साइड में 3 मल्टीप्लाई 4, तो राइट हैंड साइड में तो 12 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी 12 आना चाहिए,
4 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 16 बाय क्यों किया ऊपर 4 से, मैंने गलती कर दी सॉरी, डेनोमिनेटर में 2 है ना, तो 2 डेनोमिनेटर बनाना है, तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2 से ही नीचे मल्टीप्लाई किया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 हुआ 8 बाय 2 5 बाय 2 8 मल्टीप्लाई 8 माइनस 5 3 बाय 2। अगर डेनोमिनेटर सेम हो गए तो न्यूमरेटर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, 8 माइनस 5 3 आ गया, 4 मल्टीप्लाई 2 है, क्लियर हो रहा है ना। 2 1 जा 2 4 जा, 4 मल्टीप्लाई 3 12, तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि आपका आंसर सही है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट सॉल्यूशन कर लिया। होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है अच्छे से प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, और कमेंट करना मत भूलिए अगर आपको कुछ क्वेरी करनी है तो। ओके स्टूडेंट्स, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो।